सो ओके सो ये जो स्लाइड है इसका जो टाइटल है वो है रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म। एक एंजियोस्पर्म पौधे का जो कंप्लीट साइकिल है जिसमें वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और स्टार्टिंग फ्रॉम द एडल्ट प्लांट वो नए जनरेशन को प्रोड्यूस करता है, वो साइकिल हम देखने वाले हैं। ओके ये बार बार हम आपके बाईं तरफ लेफ्ट साइड में देखिए एक जगह पे लिखा हुआ है एडल्ट प्लांट। अगर आप लोग मेरा कर्सर झेल को देखो, ओके जो मैंने अपना कर्सर लगाया है एडल्ट प्लांट, मैं साइकिल को यहाँ से शुरू करने वाला हूँ और ये साइकिल ही है जो इस पूरे चैप्टर में और अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो पूरे दो चैप्टर्स का जो पूरा जो जिस्ट है, जो कंक्लूजन, जो निष्कर्ष हम निकालने वाले हैं, ये वो पूरी साइकिल है। तो मेरा जो कर्सर है वो भी एडल्ट प्लांट पर है। एडल्ट प्लांट मतलब एक ऐसा प्लांट जो परिपक्व हो चुका है, मैच्योर हो चुका है और अपने आप में वो अब रेडी है अगली जनरेशन को पैदा करने के लिए। चैप्टर हमारा एम्ब्रियोलॉजी का है, विच बेसिकली मीन्स हम रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। हमारा पौधा पूरा एडल्ट है और मैं इस साइकिल को शुरू कर रहा हूँ। देखो ये एक साइकिल है, साइकिल में ना तो कुछ पॉइंट शुरू होता है ना कुछ ख़त्म होता है। आप कहीं से भी शुरू करोगे वो घूम फिर के वहीं आ जाएगा, है ना। साइकिल में कोई स्टार्ट स्टॉप नहीं होता है साइकिल के पहिए में, तो उस तरह से इसमें भी कोई स्टार्ट स्टॉप नहीं है, हमको कहीं से शुरू करना पड़ेगा और हम घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। तो मैंने अपनी इस साइकिल को शुरू किया है एडल्ट प्लांट से। सब लोग एडल्ट प्लांट से समझना शुरू करेंगे। तो एडल्ट प्लांट में क्या होगा, जब प्लांट एडल्ट हो जाता है इट बियर्स फ्लावर। सो मेरा कर्सर अब घूम रहा है फ्लावर के ऊपर, फ्लावर बियर करता है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में फ्लावर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी मोनोसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल। मोनोसेक्सुअल होगा उसका मतलब फ्लावर में मेल फ्लावर अलग होगा फीमेल फ्लावर अलग होगा, या अगर वो बाईसेक्सुअल होगा तो उसमें दोनों सेक्स मेल और फीमेल दोनों के दोनों उसी फ्लावर में होंगे। ओके यहाँ आसानी के लिए हम अपने आप को ये मान के चल रहे हैं कि हमारा फ्लावर कैसा है, बाईसेक्सुअल है। इफ़ यू कैन सी दिस पिक्चर, इस पिक्चर में कैसा फ्लावर दिखाया हुआ है, बाईसेक्सुअल। क्यों, क्योंकि इसमें स्टेमन, स्टेमन क्या है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को होल्ड करने वाला बॉडी है दैट इज स्टेमन, वो स्टेमन भी इसी फ्लावर में है। और जो फीमेल पार्ट है विच इज़ बेसिकली स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी विच वी डिपिक्ट एज कार्पल, वो भी इसी फ्लावर में है। तो मेल और फीमेल दोनों के दोनों इस फ्लावर में है एंड दैट इज़ वाई वी कॉल देम एज बाईसेक्सुअल फ्लावर, ये दोनों के दोनों इसमें हैं। ओके सो नाउ अब हम समझते हैं कि अब क्या होने वाला, अब क्या होगा, क्योंकि ये फ्लावर के मेल एंड रिप्रोडक्टिव, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। सो हम एक एक करके समझते हैं। जो आपका स्टेमन वाला है, दिस आर स्टेमन्स, स्टेमन में क्या होता है, स्टेमन में एंथर होता है। एंथर को हम गुजराती में क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आप लोग पुंकेसर बोलते हैं शायद एंथर को। सो बेसिकली जो आपका स्टेमन है इसमें आपके एंथर्स हैं, एंथर विद फोर पॉलन सैक। ये एक टिपिकल स्टैंडर्ड एंथर का बॉडी दिखाया हुआ है और इस एंथर में चार पॉलन सैक हैं। सैक मतलब थैला या एक ऑर्गन, एक स्पेस। तो यहाँ पर पॉलन सैक हैं, पॉलन सैक मतलब जहाँ पर पॉलन बन रहे हैं, जहाँ पर पॉलन भरे हुए हैं, ये चार हैं। इनमें से एक भरा हुआ दिखाया हुआ है, जो ये अंदर गोल गोल आपको दिख रहा है दैट इज़ बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिया, या यूँ कह लीजिए दीज आर द मेल गैमेट बियरिंग सैक। ये इसमें मेल गैमेट हैं इस सैक में एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रो मतलब छोटा, स्पोरेंजिया मतलब स्पोर बियरिंग। तो ये छोटे स्पोर बियरिंग हैं, दे आर गोइंग टू बिहेव एज मेल और ये सारे स्पोरेंजिया इसमें होंगे। नाउ जो आपका कार्पल है, उस कार्पल में क्या है, सबसे ऊपर स्टिग्मा है, उसके बाद स्टाइल है, उसके बाद आपका ओवरी है। ओवरी में, ओवरी को इन्होंने एक बड़े डायग्राम से दिखाया हुआ है वेयर दे आर शोइंग इट एज कि ये हमारा ओव्यूल है और उस ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम, क्योंकि ये साइज में जो मेल हैं उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है साइज में, बल्कि बल्कि मतलब बड़ा और भारी और ज़्यादा कंटेंट वाला होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। एंड इट इज़ गोइंग टू बिहेव एज द फीमेल गैमेटोफाइट और द फीमेल पेरेंट
we call them as megasporangium, and this particular structure that we are saying is ovule. ओव्यूल के बारे में हम बाद में फिर से पढ़ेंगे कि कितने तरह के ओव्यूल होते हैं और उनका क्या क्या कारण होता है बनने का, बाद में पढ़ेंगे. बट फिलहाल के लिए द कार्पल इज गोइंग टू बियर द ओव्यूल विच इज़ द फीमेल गेमिटोफाइट, और जो आपके स्टेमन्स हैं दे आर गोइंग टू बियर द एंथर विद दीज पोलन सैक्स कंटेनिंग माइक्रोस्पोरेंजिया एंड दे आर गोइंग टू बी एक्टिंग एज मेल. तो उसी फ्लावर में मेल भी है और उसी फ्लावर में फीमेल भी है. मेल को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, फीमेल को बोलेंगे मेगास्पोरेंजिया. तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ रहा है. आगे चलते हैं. ये जो आपके माइक्रोस्पोरेंजिया हैं ये अभी डिप्लॉइड स्टेट में है, यानी कि ये अभी अभी ये गैमेट्स नहीं बने हैं, अभी ये सेक्स सेल्स नहीं बने हैं, अभी ये मेल गैमेट या फीमेल गैमेट नहीं बने हैं. इनको ऐसा गैमेट बनने के लिए दे हैव टू अंडरगो अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल डिविजन. इनको एक बहुत ही विशेष सेल डिविजन जिसको हम मियोसिस बोलते हैं उसके थ्रू पास होना होगा, और उसके बाद ही ये एज अ मेल या फीमेल गैमेट की तरह एक्ट करेंगे विच आर गोइंग टू क्रॉस. तो पहले मैं मेल गैमेट्स यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में बात करता हूँ. ये जो पोलन सैक मैंने आपको दिखाया इसमें क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं. मेरा जो कर्सर है अगर देखें मैं हिला रहा हूँ वहाँ पर, सो बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं. ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या करते हैं, दे अंडरगो अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन विच इज कॉल्ड एज मियोसिस. आपने पढ़ा होगा दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस. माइटोसिस और मियोसिस में एक बड़ा खास डिफरेंस है. माइटोसिस के डिवीजन में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो मेंटेन्ड रहता है, केवल सेल जो है वो एक डिवीजन के बाद दो में डिवाइड हो जाता है इन द केस ऑफ माइटोसिस. यहाँ अभी माइटोसिस नहीं हो रहा है, यहाँ मियोसिस हो रहा है. इन द केस ऑफ मियोसिस जो क्रोमोसोम काउंट होता है वो हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम काउंट हाफ हो जाता है और एक सेल के चार सेल बन जाते हैं, एंड ईच सेल हैज हाफ द क्रोमोसोम नंबर, और इसीलिए हम उनको बोलते हैं कि ये जो गैमेट्स बनेंगे या जो सेल बनेंगे दे विल बी बेसिकली कॉल्ड हैप्लॉयड. उन्हें बोलते हैं HAPLOID, हैप्लॉयड सेल्स बोलते हैं. ओके, अब देखो अभी हम वापस चलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में. तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा, और मियोसिस से एक माइक्रोस्पोर मदर से चार माइक्रोस्पोर बनेंगे. लिखा भी हुआ है 4 माइक्रोस्पोर फ्रॉम ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल. एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसको मैं MMC बोलता हूँ, उस एक से चार माइक्रोस्पोर बनते हैं, और फिर उन चारों माइक्रोस्पोर में एक दूसरे तरह का डिवीजन होता है जिसको बोलेंगे माइटोसिस. मैंने अभी आपको बताया माइटोसिस में क्या होगा. माइटोसिस में ये होगा कि माइटोसिस में एक या दो होंगे बट क्रोमोसोम काउंट मेंटेन रहेगा. ओके, तो क्या हो रहा है अभी, आई थिंक कोई बच्चा ज्वाइन किया है, मैं एक बार जरा उसको ऐड कर लूँ. ओके, ओके, सो अब देखते हैं. तो अब उसने कहा अगला स्टेप में उसने क्या कहा, जहाँ मेरा माउस कर्सर है वहाँ देखिए, वहाँ लिखा हुआ है 1 माइटोसिस पर माइक्रोस्पोर. हर माइक्रोस्पोर जो यहाँ बना था ऊपर, ओके, जो यहाँ बना था, इट इज़ नाउ गोइंग टू अंडरगो माइटोसिस. तो माइटोसिस होगा तो क्या होगा, एक माइक्रोस्पोर बन जाएंगे दो सेल्स. ओके, इन दोनों सेल्स को हम एक नाम देते हैं, टिपिकल हम नाम देते हैं, एक होता है जनरेटिव सेल और एक होता है स्पर्म सेल. ओके, यानी कि एक माइक्रोस्पोर के बन जाते हैं दो सेल्स, एक को बोलेंगे जनरेटिव सेल और एक को बोलेंगे स्पर्म सेल. ये दोनों के दोनों, जनरेटिव और स्पर्म सेल, ये दोनों जो हैं एक पोलन के अंदर होंगे. ओके, यहाँ पर दो तरह के दिखाया हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि दे आर बेसिकली बोथ आर, यहाँ पर लिखा हुआ वेजिटेटिव सेल्स हैं, एक में जनरेटिव सेल लिखा हुआ है, एक में स्पर्म सेल लिखा हुआ है, एंड इज रिटन हेयर पोलन ग्रेन्स टू टाइप. तो दो टाइप के पोलन ग्रेन्स यहाँ बन रहे हैं, एक जनरेटिव है और एक स्पर्म सेल है.
अभी इसको यहाँ पर रोकते हैं, अब वापस चलते हैं आपके मेगास्पोरेंजियम पे। मेगास्पोरेंजियम कौन था भैया? मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल है, फीमेल पेरेंट की तरह बिहेव करने वाला है, बट फिलहाल के लिए ये एक मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल मतलब इसका जो क्रोमोसोम काउंट है अभी ये डिप्लॉइड स्टेट में है, अभी ये गैमेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। इस गैमेट की तरह बिहेव करने के लिए यानी कि इसको एग बनाने के लिए अभी इसमें पहले मियोसिस होगा, तो मियोसिस होने वाला है। तो मियोसिस होगा तो क्या होगा? मियोसिस होने से ये एक जो मेगास्पोर मदर सेल है इट विल बिकम फोर। अभी बताया था मियोसिस में एक सेल के चार हो जाते हैं, ये भी एक सेल है तो एक सेल के बन जाएंगे चार मेगास्पोर। तो मेगास्पोर से ये पहले क्या था? ये था मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि मेगास्पोर का मदर सेल था मियोसिस से पहले, और मियोसिस होने के बाद ये हो गए चार मेगास्पोर विच हैव कम फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो मेल ऑर्गन है उसमें हजारों माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, ध्यान दो, जो मेल है उसमें हजारों माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, वो हजारों माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस में जाते हैं और एज अ रिजल्ट वो लाखों माइक्रोस्पोर बनाते हैं, ओके। लेकिन यहाँ इन जनरल एक ओव्यूल यानी कि एक मेगास्पोर चार मेगास्पोर बनाता है, यानी कि एक मेगास्पोर मदर सेल जो एक ओव्यूल में है वो एक विल रिजल्ट इनटू फोर मेगास्पोर मदर मेगास्पोर जो बनेंगे। तो सीधा सीधा क्या है कि मेल्स आर लार्ज इन नंबर, दे रन इनटू थाउजेंड्स एंड लैक्स इनटू नंबर, वाइल ऑन द अदर हैंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है वहाँ हम क्या देखते हैं, जनरली यू हैव वन और वेरी फ्यू मेगास्पोर मदर सेल्स। ईच मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस फोर मेगास्पोर्स। अब क्या होगा? अब चार मेगास्पोर जो बने हैं उनमें से तीन तो जाएंगे मर, तीन खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है थ्री मेगास्पोर्स डीजनरेट। डीजनरेट मतलब वो खत्म हो जाएंगे, वो कलैप्स हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, एंड दे विल सिंपली वैनिश, खत्म हो जाएंगे, केवल एक बचेगा, ओके केवल एक बचेगा, उसे हम बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। अब यहाँ पर मुझे आपको एक बात बतानी है, किसी किसी प्लांट में तीन मर जाते हैं एक बचता है, किसी किसी प्लांट में दो मर जाते हैं दो बचते हैं, किसी किसी प्लांट में चारों जिंदा रहते हैं, तो थोड़ा वेरिएशन आता है यहाँ पे, ओके इस पॉइंट पर थोड़ा वेरिएशन है, बट क्योंकि मैं आपको इन जनरल सभी एंजियोस्पर्म के बारे में बता रहा हूँ तो हम अभी इन जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन बेटा यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन है। अभी हम आने वाली स्लाइड से पढ़ेंगे कि क्या वेरिएशन है। आप पढ़ोगे बाईस्पोरिक है ना, टेट्रास्पोरिक है ना, मोनोस्पोरिक है, तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ साइकिल है जो कि बहुत कॉमनली देखी जाती है, बट देयर कैन बी वेरिएशन जहाँ पर दो मेगास्पोर मरेंगे और दो फंक्शनल रहेंगे, वो वेरिएशन हम बाद में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए एक स्टैंडर्ड नोटेशन हम मान के चल रहे हैं कि तीन मरेंगे एक बचेगा। ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा है ना आपका, ये विल अंडरगो द फर्स्ट माइटोसिस। ये क्या करेगा? इसमें दो माइटोसिस होंगे, सॉरी तीन माइटोसिस होंगे, पहले माइटोसिस में क्या होगा, ये एक, बाकी तीन तो मर गए, तो जो एक बचा है दिस विल अंडरगो माइटोसिस एंड एक के बनेंगे दो, ओके। सो फंक्शनल मेगास्पोर जर्मिनेट्स इंटरनली, मतलब इट विल अंडरगो डिविजन, इट अंडरगो डिविजन, अभी सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, केवल न्यूक्लियाई डिवाइड होगा, तो एक न्यूक्लियाई के दो बनेंगे और उसके बाद इमीडिएटली सेकेंड माइटोसिस हो जाएगा। सो एज यू कैन सी मेरे कर्सर को, जो एक था वो एक माइटोसिस के बाद दो हुआ, और जो दो थे वो सेकेंड राउंड ऑफ माइटोसिस बन गए चार, क्योंकि एक के दो तो दो के चार। इस स्टेज को हम बोलते हैं फोर न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, इसको हम बोलते हैं फोर न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक या सिंपली मेगा गैमेटोफाइट। इसको आप मेगा गैमेटोफाइट बोलिए या सिंपली बोलिए फीमेल गैमेटोफाइट, वो भी सही है। सो एक मेगास्पोर का एक माइटोसिस हुआ तो दो मेगास्पोर बने, और दो मेगास्पोर के एक माइटोसिस और हुआ तो चार बने। रिमेंबर यहाँ सेल डिविजन नहीं हुआ है, एक ही सेल है और एक सेल में चार न्यूक्लियस हैं, बिकॉज एक सेल में चार न्यूक्लियस हैं इसीलिए नाम पड़ गया फोर न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक।
जिसको मैं बोल रहा हूँ मेगा गैमेटोफाइट। नाउ उस फोर न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक में एक थर्ड राउंड ऑफ माइटोसिस होगा और उसके साथ साथ अब सेल भी डिविजन, मतलब सेल विल ऑल्सो फॉर्म। अभी तक क्या था, केवल न्यूक्लियाई डिवाइड हो रहे थे, सेल नहीं बन रहे थे। अब की बार क्या होगा, तीसरा राउंड माइटोसिस का होगा, न्यूक्लियाई भी डिवाइड करेंगे और सेल भी बनेगा। तो तीसरे राउंड में क्या होगा, तीसरे राउंड में वो जो चार हैं उनका एक राउंड माइटोसिस हो रहा है ना, थर्ड राउंड चल रहा है, तो उनके कितने बन जाएंगे, उनके बन जाएंगे आठ न्यूक्लियस। ओके, एक के दो, दो के चार, चार के आठ, बिकॉज हर एक बनाएगा दो, तो आठ न्यूक्लियस बनेंगे। आठ न्यूक्लियस बनेंगे, बहुत ध्यान देने वाली बात है, न्यूक्लियस आठ बनेंगे लेकिन सेल कितने बनेंगे, सात। यहाँ सब लोग ध्यान दो जरा, सो मेरा माउस को फॉलो करो, मेरा माउस का जो कर्सर घूम रहा है। तीसरा माइटोसिस हुआ, सेल फॉर्म हुआ, तो तीसरे माइटोसिस में आठ न्यूक्लियस बने। काउंट करते हैं, एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ, तो तीन न्यूक्लियस यहाँ हो गए। अब ये तीन न्यूक्लियस तीन अलग अलग सेल में चले गए। बीच वाले को हमने इन तीनों को बोला एंटीपोडल सेल। क्या बोला, एंटीपोडल सेल। ये तीन सेल बने, तीनों को बोला एंटीपोडल सेल। तीनों सेल में एक एक न्यूक्लियाई, तो कितने सेल, तीन सेल। कितने न्यूक्लियाई, तीन न्यूक्लियाई। अब आ जाओ इस वाले एंड पर, इस वाले एंड पर तीन सेल हैं। इन तीन सेल में से जो ऊपर वाला सेल है उसको बोला एग सेल। ये एग है, ये अंडा है प्लांट का, तो एग सेल जो है इसमें कितने न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई। तो इसमें एक न्यूक्लियाई और इसको बोला एक एग सेल। और ये जो दो नीचे के जो सेल दिख रहे हैं आपको, इन्हें बोला सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल यहाँ लिखा हुआ है, स्पेलिंग SYNERGID, सिनर्जिड सेल। तो सिनर्जिड सेल जो है इनमें भी एक न्यूक्लियाई, तो कितने न्यूक्लियाई टोटल हो गए, ऊपर के तीन और नीचे के तीन, छः, छः न्यूक्लियाई हो गए। और सेल कितने हो गए, सेल भी हो गए छः। ओके, तीन एंटीपोडल, एक एग और दो सिनर्जिड, तो छः सेल और छः न्यूक्लियाई हो चुके हैं। अब आओ आगे। अब ये जो दो डॉट दिख रहे हैं, एक डॉट ये और एक डॉट ये दो डॉट, इनको बोलते हैं सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। यानी कि ये वो न्यूक्लियाई हैं जो इस पूरे बॉडी को सेल मानते हुए, उस पूरे बॉडी के सेल, इस पूरे बॉडी को सेल मानते हुए उसके न्यूक्लियाई हैं। और कितने न्यूक्लियाई हैं, दो। तो कितने न्यूक्लियाई हो गए टोटल, आठ, तीन ऊपर तीन नीचे, छः, और सेंटर में दो, यानी कि आठ न्यूक्लियाई हो गए। लेकिन यहाँ पर सेल एक ही है, कौन सा सेल है, ये पूरा जो रिमेनिंग पोर्शन है जिसको हम बोल रहे हैं सेंट्रल सेल। तो सेल है ये सातवां, और उस सातवें सेल में हैं दो न्यूक्लियाई। तो वो जो दो न्यूक्लियाई हैं उनकी वजह से अगर हम काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं आठ और सेल हैं सात। वो कौन कौन से सात सेल हैं, गिनो, तीन एंटीपोडल, चौथा एग, पांचवा और छठा सिनर्जिड, क्योंकि दो सिनर्जिड होते हैं, तो छठा सिनर्जिड हो गया दो, और सातवां हो गया सेंट्रल सेल। तो सात सेल और आठ न्यूक्लियाई, और इसीलिए इसको बोलते हैं सेवन सेल्ड एम्ब्रियो सैक। इसे बोलते हैं सेवन सेल्ड एम्ब्रियो सैक, और मेगा गैमेटोफाइट एक ही बात है। वेरी गुड। अब अगला स्टेप देखो, अगले स्टेप में हम वापस आते हैं उसी फूल पर। अब उस फूल में क्या क्या हो चुका है, जो मेल है, मेल हैज़ अंडरगॉन मियोसिस, प्रोड्यूस्ड पॉलन ग्रेन्स ऑफ टू टाइप्स, एंड वो पॉलन ग्रेन्स अब यहाँ से निकलेंगे और स्टिग्मा पर जाएंगे। एट द सेम टाइम जो कार्पल है उसमें ओवरी इज नाउ रेडी, बिकॉज नाउ इसमें एक्सेल आ चुका है, और एक्सेल के साथ सिनर्जिड्स भी हैं, सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई भी है, एंटीपोडल भी है, सो इट इज़ नाउ रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। ऊपर से वहाँ से पॉलन आ रहा है, द पॉलन विल बेसिकली कम ऑन द स्टिग्मा, इट विल डेवलप पॉलन ट्यूब, उस पॉलन ट्यूब में से स्पर्म सेल जाएगा और वो जाकर के फर्टिलाइज करेगा। सो हाउ द फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम अगला स्टेप देख रहे हैं, पॉलिनेशन हो गया, सो पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ। पॉलन जर्मिनेट किया, उस ट्यूब बनी, वो ट्यूब के थ्रू स्पर्म गया, नीचे जाकर के इट एंटर्ड इनटू द मेल फीमेल गैमेटोफाइट, और वहाँ जाकर के उसने फ्यूजन करना है। फ्यूजन बेटा दो होंगे, एंजियोस्पर्म में दो बार फ्यूजन होता है, इसीलिए हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। अगर आप मेरे माउस कर्सर को देखें तो मैं यहाँ पर एक जगह पर लिखा हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन।
डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म। कैसे होता है? वो जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करेगा, एंटर करके क्या होगा कि एक न्यूक्लियाई जाके फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, ये जो अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो तो, और दूसरा न्यूक्लियाई जाकर के क्या करेगा, वो जो सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई थे ना, जो दो थे उनके साथ फ्यूज कर जाएगा। वो खुद दो थे और उनके साथ एक और स्पर्म आके जुड़ गया, यानी कि वो तीन न्यूक्लियाई हो गए। वो तीन न्यूक्लियाई ऑल आर ऑफ एन टाइप यानी कि हैप्लॉइड टाइप, वो तीन आके आपस में फ्यूज कर जाते हैं। तो एक फर्टिलाइजेशन तो ये हो जाता है, और दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है एग सेल के साथ, जहाँ एग सेल के साथ जो मेल स्पर्म है वो फ्यूज कर जाता है, क्योंकि दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। एक तरह से दो स्पर्म एंटर होते हैं, एक फ्यूज करता है एग को और एक फ्यूज करता है आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को, जो असल में सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई था। क्योंकि दो बार फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा है, इसीलिए एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन का जो 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 सिनेरियो है वो इस तरह का है कि जहाँ पर हम बोलते हैं कि इन एन एंजियोस्पर्म व्हाट वी सी इज डबल फर्टिलाइजेशन, दो बार फर्टिलाइजेशन का इवेंट देखने को मिलता है। जो एग सेल है, जो फर्टिलाइजेशन एग सेल में हुआ है वो फर्टिलाइज होगा, यानी कि एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा और बनेगा जायगोट, विच इज द फर्स्ट स्टेज इन द स्पोरोफिटिक जनरेशन, विच विल बी अ टू एन स्टेज। टू एन कैसे हुआ? एक एन एग का और एक एन स्पर्म का, एन प्लस एन विल मेक टू एन। तो वो पहला स्टेज है, सिंगल सेल होता है एंड उसमें फिर माइटोसिस होता है, कई बार माइटोसिस होता है टू फॉर्म एम्ब्रियो। ऑन द अदर हैंड जो सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई था उसके साथ जो मेल स्पर्म आके फ्यूज हुआ, सेकेंड मेल स्पर्म जो आके फ्यूज हुआ, तो उसकी वजह से पहले बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड इवेंचुअली इट बिकम एंडोस्पर्म। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जायगोट तो 2n होता है, लेकिन एंडोस्पर्म कैसा होता है? एंडोस्पर्म 3n होता है, इट इज ट्रिप्लॉइड। ओके, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, क्यों? क्योंकि 2n तो पहले से ही था, दो सेल सेंटर में होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। तो 2n तो पहले से था, 1n आया मेल का, तो 2n प्लस n इज 3n। तो एंडोस्पर्म विल बिकम ट्रिप्लॉइड यानी कि 3n और एम्ब्रियो बन जाएगा 2n। सो 2n एम्ब्रियो और 3n एंडोस्पर्म। अब ये एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म आगे चल के थोड़ा और मैच्योर होंगे, एम्ब्रियो विल बी कवर्ड फॉर मोस्ट पार्ट विद एंडोस्पर्म एंड इवेंचुअली द होल सिस्टम विल बी कवर्ड विद अ मैच्योर सीड कोट। ओके, यहाँ लिखा हुआ है प्लस और माइनस एंडोस्पर्म, मतलब समटाइम्स यू नो एंडोस्पर्म ऑल्सो डिजनरेट्स, और बहुत ही नाम का एंडोस्पर्म होता है और कहीं कहीं पे एंडोस्पर्म बहुत बड़ा होता है, वो हम इवेंचुअली बात करेंगे एंडोस्पर्म के बारे में बाद में। बट फिलहाल के लिए समझिए कि वो एम्ब्रियो थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, सीड कोट में एनकैप्सुलेट हो जाएगा, एंड दैट इज़ व्हाट यू कॉल एज सीड। उसको आप बोलते हो बीज, गुजराती में या हिंदी में बोलते हैं बीज। है बीज क्या है? एक सीड कोट के अंदर एक ऐसा यू नो मिनिएचर प्लांट है विच वी कॉल एज एम्ब्रियो, एंड दैट एम्ब्रियो इज यू नो इज सराउंडेड बाय एंडोस्पर्म एंड इट इज़ गिवन फूड एंड वाटर बाय एंडोस्पर्म इनिशियली, और वो जो पैकेट है, वो जो पूरा एक पैकेज है, दैट वी कॉल एज बीज, सीड है। वही सीड इफ़ यू सी माई कर्सर, वही सीड जब आप मिट्टी में डाल के उसको पानी देते हो सही समय पर और सही अनुकूल वातावरण में, वो सीड जर्मिनेट करता है, अंकुरण होता है उसका, और वही सीड आगे चल के जर्मिनेट होकर के एक पहले नन्ना पौधा और फिर करते करते एक एडल्ट प्लांट बन जाता है, मैच्योर परिपक्व प्लांट बन जाता है। और इस तरह से जो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी की जो साइकिल है, ये जो सेक्सुअल साइकिल है उनकी, ये चलती रहती है। ओके, फ़र्क सिर्फ इतना आएगा, अगर फ्लावर मोनोसेक्सुअल है तो पोलन किसी दूसरे फ्लावर से आएगा, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो बहुत चांसेस हैं कि वो अपने ही पोलन से अपना को फर्टिलाइज करेगा। ये महत्वपूर्ण अभी इस वक्त नहीं है कि पोलन कहाँ से आ रहा है, उसका खुद का है कि किसी और का है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि उसको टाइम से पोलन मिल जाए अपनी स्पीसीज का, सो दैट फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो यहाँ पर आपको इस पूरी साइकिल में कुछ बातें बड़ी ध्यान देने वाली हैं। एक तो ये कि मियोसिस होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी मियोसिस होता है और मेगास्पोर मदर सेल में भी मियोसिस होता है।
दोनों में मियोसिस होने से व्हाट यू गेट इज कॉल्ड एज गैमेट्स. यहाँ पर जब आप बोलते हो माइक्रोस्पोर्स, व्हाट आर माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स आर नथिंग बट मेल गैमेट्स. व्हाट इज मेगास्पोर, मेगास्पोर इज नथिंग बट फीमेल गैमेट, वो गैमेट है ओके, एंड दैट फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज एग. ऑन द अदर हैंड मेल गैमेट इज कॉल्ड एज स्पर्म. सो स्पर्म और एग का फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन है. एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो स्पर्म्स हैं दे आर कमिंग इन सच ए मैनर दैट दे आर एबल टू फर्टिलाइज वन ओव्यूल इन अ वे वेयर वन स्पर्म गोज टू फर्टिलाइज एग एंड द अदर स्पर्म गोज टू फर्टिलाइज द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, जो कि दो हैं. तो दो न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल में होते हैं उनके साथ आकर के एक मेल स्पर्म फ्यूज कर जाता है एंड उनके फ्यूजन से एक थ्री एंड बॉडी बनती है एंड दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म बहुत ही रिमार्केबल फीचर है और यू शुड नो दिस दैट एंडोस्पर्म की डिस्कवरी और एंडोस्पर्म के ट्रिप्लॉयड होने के की जो इन्फॉर्मेशन जिस साइंटिस्ट ने दी थी सबसे पहले उसको, इसके लिए ही वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज ओके. तो ये डबल फर्टिलाइजेशन का जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर उसको बहुत बड़ा प्राइज मिला था, नोबल प्राइज मिला था उसको. और ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो केवल आपको एनजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा. रिमेंबर लोअर प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एल्गी, एस, इन सब में कहीं पर भी ये रिपोर्ट नहीं होता कि यू हैव ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म. देर आर सम एक्सेप्शंस बट इन जनरल यू डोंट हैव ट्रिप्लॉयडी और डबल फर्टिलाइजेशन इन एंडोस्पर्म. इनफैक्ट बहुत सारे प्लांट्स में तो एंडोस्पर्म बनता भी नहीं है, लेकिन एंजियोस्पर्म में बनता है. और एंजियोस्पर्म में जो आपका एंडोस्पर्म बन रहा है दैट इज ट्रिप्लॉयड, 3N होता है ओके. आई वॉन्ट यू ऑल टू नो वट इज एन, वट इज 2N, वट इज 3N. एंड कभी मैं टाइम लगेगा तो पूछूंगा भी और बताऊंगा भी, बट फिलहाल के लिए थोड़ा सा आप लोग अपने आप को ब्रशअप कर लो.